हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सीखेंगे झपताल। तो झपताल में 10 मात्रा होती है और ये खास करके भजन में इसको बजाया जाता है, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर या फिर और किसी भजन में झपताल बजता है। झपताल एक ऐसे झूला झूलने जैसा लगता है सुनने से, तो डोलता रहता है ऐसा, तो मुझे बहुत पसंद है झपताल। और झपताल में 10 मात्रा होती है, जैसे कि उसकी मात्रा ऐसे है, दी ना दी धी ना, फिर ती ना धी धी ना, तो दी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, दी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो जितने भजन बजते हैं भजन भजन, उसमें हम ऐसे कर दिन ना धी दिन ना, तीन ना धी दिन ना, ऐसे बजता है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसको मैं बजाने का प्रयास करूँगा और हम इसे याद रखेंगे, इसके लिए हम बजा रहे हैं। तो दीना धी धी ना बजाएंगे पहले, तो दीना धी धी ना, फिर से देख लेंगे, धी धी ऐसा धी, फिर उसके बाद ना, फिर धी फिर ना, धी ना धी धी ना। ये हो गया पहला लाइन। दूसरी लाइन में है ती ना धी धी ना, तो ती के लिए मैं यहां बजाऊंगा ती, तो कभी कभी मैं इस हाथ को भी रखता हूं ती में, ती ऐसे भी बजता है, ती 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 ती, ती ना धी धी ना, ठीक है, ती ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ठीक है। और एक बार देखेंगे, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ती ना इसको जब हम म्यूजिक में बजाते हैं, जैसे कोई गाने वाने बजाते हैं, तो इस तरह से बजता है म्यूजिक म्यूजिक में, दिन ना दिन दिन ना, दिन ना दिन दिन ना। तो ये काफी मजेदार लगता है। तो आज के लिए इतना, फिर कभी और मिलते हैं। नमस्ते।